दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और मौजूद है पालम विधानसभा में और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि वो इस बार किस शख्स को इस बार वो विधायक के लिए चुनेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और साथ ही साथ इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सिटिंग विधायक जो है वो भी है यहाँ पर, जो कि भावना गौड़ है। अब जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि 5 साल में क्या भावना गौड़ जी ने किया है या तमाम उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया है और पार्टी की जो पॉलिसीज हैं क्या वो जनता तक पहुंची है, जनता कितनी खुश है अपने सिटिंग विधायक से, जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। सर हम मौजूद हैं पालम विधानसभा की पालम कॉलोनी में, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे सर क्या कहेंगे अभी जो यहाँ पर जो काम हुए हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या उनके द्वारा जो काम किए गए कैसे हैं? कुछ खास काम नहीं हुए यहाँ पे जी, पिछले 5 साल में पहले काम हुए थे वही काम हुए हैं, बाकी जो सरकार के नई जो थे वो उस पर कुछ काम नहीं, कैमरे नहीं लगे यहाँ पे और जो भी जो कुछ खास काम हुए नहीं यहाँ पे। सीवर की सफाई हो रही नहीं, कुछ हो रहा जी जी जी, नहीं पानी की व्यवस्था करी है, गंदा पानी है जी। यहाँ तो औरतें लोग आज तक अभी देख, जो यहाँ की जितने भी औरतें हैं जो पूछ लीजिए कौन हमारे MLA हैं उनको देखी भी नहीं है, कभी आज तक आई नहीं है। और जो 5 साल पहले काम हुआ था उसी वही काम जो है अभी चल रहा है, अभी तक न कोई यहाँ रोड रोड का कुछ हुआ है, न कोई कैमरे भी नहीं लगे हैं और आए दिन गलियों में चारों तरफ जो है अंधेरा आता रहता है, स्मैक जाते हैं, स्मैक पीते रहते हैं और हमारे तो अंगूठी और ये छीन लिया है, सब कुछ वैलेट निकाल करके कर दिया, हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट लगवाई हुई है। तो क्या कहेंगे सर जो सिटिंग विधायक अभी भावना गौड़ जी हैं, तो उनका बिहेव कैसा है पब्लिक के लिए, क्या आप जनता से मिलती हैं आकर? वो ना जनता से आकर नहीं मिलती हैं, बल्कि हम तो वहाँ जाते भी हैं तो उनके जो बैठे हुए हैं वो बोल देते हैं मैडम है नहीं, ये फलाना दिन में आओ, फलाना तारीख में आओ, और कभी बात करते हैं तो ऐसे गुस्से से बात करते हैं, झगड़ा करने के इसमें आ जाते हैं मूड में। देखो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार बनाकर आई थी, क्या लगता है कि उनके जो विधायक हैं क्या उनका बिहेव है आम आदमी जैसा? देखो भावना गौड़ जी हमारे से विधायक है लेकिन हमने तो 5 साल में उनको देखा ही नहीं जी, सबसे बड़ी बात है। जो पहले काम हुआ वही, ना कोई सड़क बनी है ना कुछ नहीं, गली के अंदर स्मैक जी बैठे रहते हैं और जो छह कुछ कहो तो लड़ने को आते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऑफिस चले जाते हैं, औरतों को बड़ी दिक्कत है। 2 महीने पहले मैंने कैमरे के लिए लिख के देखा हूँ, गेट लगाने के लिए लिख के देखा, लेकिन उसकी कोई अभी तक सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई। खुद हमारी औरतें मिलने के मिलती नहीं है, वीरवार को जो मंगल को ना बिल्कुल नहीं चाहते, हम आम आदमी को पार्टी को वोट देंगे लेकिन भावना को वोट नहीं देंगे। क्या कहेंगे सर फिर ऑप्शन क्या है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को चाहते हैं वोट देना, फिर वोट किसको देंगे? कोई ना कोई तो अच्छा कोई आदमी आम आदमी पार्टी के सामने अच्छा आदमी होगा उसको हम वोट देंगे, लेकिन भावना गौड़ जी को जो है आज तक कोई हमारे फैमिली या हमारे बच्चे बच्चे भी जानते भी नहीं है। जिस तरीके से अभी सर्वे हुआ है सर यहाँ पर, कहीं ना कहीं 2-3 नाम आ रहे हैं, उसमें से धर्मवीर सहारन भी एक नाम है, तो क्या कहेंगे उस नाम के लिए, कितना कहेंगे? भी सोशल वर्कर हैं और टीचर नहीं, वो अच्छा जी पढ़ा लिखा आदमी है, हम उसको सपोर्ट करेंगे जी जी। क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कोई भी आदमी है लेकिन पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड आदमी हो, समस्या को समझे, कहीं ना कहीं बिल्कुल और जनता के बीच में रहना चाहिए। जब भी फोन करें या बात करें तो तुरंत आकर बात करें, ये नहीं उनकी तरह भावना गौड़ की तरह फोन करते रहो, मंगल को आ जाओ, शनिवार को आ जाओ, मिलती नहीं ऑफिस में, औरतें हमारी कितनी परेशान है, पीछे लड़के चक्कूबाजी हुई है, झगड़ा फसाद हुआ है, भाई साहब की अंगूठी छीन ली, पर्स छीन लिया, वो देखने वाला कोई है क्या, क्या करेंगे लोग? तो एजुकेटेड आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो जनता के बीच में जाए और उसकी राय को समझे। भाई मुसीबत क्या, हमें करना है क्या है, सफाइयाँ चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, वो हमें मिलना चाहिए। कोई भी हो, आरंगा है या कोई भी आदमी है, बढ़िया एजुकेटेड आदमी होना चाहिए, समस्या को समझे। क्या कहेंगे जो भी सिटिंग विधायक हैं भावना गौड़ जी, क्या उन्होंने कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की छवि खराब की है? आप थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बहुत छवि खराब करी है जी। हम ये कहना चाहेंगे जी, इसने छवि का पूरा जो है पूरा विधानसभा इसने खराब कर दिया है जी। विरोधी पार्टी के अंदर जा जाके उनसे पैसे भी लेती है ये जी, पैसा लेती है और उनका ही काम करती है, हमारा कोई काम नहीं करती है यहाँ जी। बुजुर्ग भी मेरे साथ है, क्या कहेंगी माता जी इस बार किसको? हमने क्या कहना जी, हमारा नियत यही है, जिसको भी बोल देगा हम उसे बोल देंगे, ठीक है? सारण को बोल दो, सारण को बोल देंगे हम, लेकिन सारण को बुला के काम करना चाहिए, कोई भी काम हो
तो बस जिसने जीता है कोई किसी ने काम नहीं किया। माजी अभी क्या कहेंगे, अभी जो आपके आपके एरिया की विधायक कौन है आपको पता है? आपके एरिया की विधायक कौन है पता है? कौन सी विधायक? धर्म देवता है और कौन है? भावना है। हाँ भावना, भावना। तो आप कभी मिले उनसे? क्या मीना पहले पहले मिले थे जब उसने कुछ करा नहीं थे, क्या मीना सोई है वो तो अभी तक नहीं मिली ना। अब क्यों जाना, हमने जमने एक दो बार गए कुछ नहीं करा था, ना आई नहीं था, हमने क्या जाना था? आऊंगा आंटी, आऊंगा आंटी, और बस इसी में टाल दिया। ठीक है, काम किया आप लोगों का? कुछ क्या करे काम, इसको पूछो, ये हमारा नियता है, ये बताएगा क्या काम करे उसने हमारा, कुछ नहीं करा। ये तमाम लोग थे और आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, और आज सर्दी के बीच में भी ये लोग निकल के आए हैं सिर्फ स्पष्ट बताने के लिए कि ये लोग क्या चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के सिटिंग विधायक है उनसे कहीं ना कहीं नाराज है। सुनील जी क्या कहेंगे इस बार, क्या रंग है पालम विधानसभा? देखो जो केजरीवाल साहब जो काम कर रहे हैं अपनी दिल्ली के अंदर, उन जैसा तो कोई काम नहीं कर सकते और पार्टियां, लेकिन हमारे जो विधानसभा की जो यहाँ की विधायक है भावना कोट, उनसे पूरा पूरा विधानसभा लाचार है। उनसे प्रॉब्लम यह है कि उनका जो एटीट्यूड है वो कम नहीं होता, किसी भी काम के चले जाओ। खास आदमी बन चुकी है। हाँ खास बन चुकी है, ये बीजेपी के निगम पार्षद रह चुकी है पहले, तो आज भी इनमें बीजेपी वाली छवि है। हाँ जी, तो आम आदमी पार्टी है तो इनको टिकट दिया, हम सारे इनकी सपोर्ट में लगे, लेकिन जो इनके अंदर जो इनकी रगों में जो खून बह रहा है वो सारा बीजेपी का ही है। तो क्या चाहते हैं इस बार, किसको टिकट मिलना चाहिए? देखो जी हमारे क्षेत्र में धर्मवीर सारण जी है समाज सेवक, यहाँ से जो कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और अच्छे समाज सेवक है, शिक्षक है, उनके उन्होंने कई इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। केजरीवाल साहब की जो बेंगी योजना है उस पर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है गेट नंबर 3 के आगे मेट्रो स्टेशन पालम के, और क्षेत्र में काफी उनका अच्छा नाम है, पूरा सहयोग करते हैं, आधी रात को भी कई लोग उनके पास चले जाते हैं, तो वो उनके साथ मतलब हर मदद से उनके साथ सहयोग करते हैं। माता जी क्या कहेंगे जो अभी अभी वर्तमान में क्या स्थिति आपके यहाँ? भाई मार्ग किसी भी स्थिति को नहीं, 7 साल पहले रोड में बढ़िया हुआ था, अब तो भावना गोड़ से ना भारत आए कभी ना देखी सब कोई मरा सर जीव सब देख रहा हूँ शिवरा के 10 पर कंप्लेन करा तो कोई ना हमारा सीवर डला और वो रोड को पानी को डलवाए तो ना पीछे पड़े वो तो खेच के लेती भाइयों की। हाँ सुनी 5-30 इंचों किसान ना की ना तब वो शेर मसानो गिर ना आई वा और ना देखना आई और वो पानी को दूध और बचवा दी मारो पानी काट का 18 नंबर इस बार हम तो भाई तो नाराज को अरे भावना गोड हमने चाहिए तो अगर फिर से भावना गोड को हम तो दूध मारा भाई एक बार बड़े सवाल खड़े कर रही है की महिला और क्या कहेंगी सिर्फ शिवर बरसातों में तो इतना पानी भर जाता है घुटनों से ऊपर भर जाते हैं। माँ जी क्या कहेंगी स्वास्थ्य के लिए क्या क्या यहाँ पर है, दवाई गोली के लिए इंतजाम कुछ भी ना है? मोहल्ला क्लिनिक खुला क्या आपके यहाँ? नहीं यहाँ कोई नहीं जाता मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा विधायक आते हैं क्या आप लोगों से? कोई नहीं आता, कोई यहाँ भाई कोई नहीं। तो आम आदमी पार्टी जिसके विधायक भी आम थे लेकिन अब वो खास बन चुके हैं, और क्या कहेंगे माँ जी विधायक के लिए क्या कहेंगे? जी हम परेशान होकर 1 साल हो गई कदे भाई ने करवाई थी हमारी सीवर साफ, 1 साल हो गया हमें 20 कंप्लेंट दे दी आज तक सीवर साफ करा मेरी मोटर मुकाई पड़ी से हम गंदो पानी आ रहा लैटरिन। अच्छा एजुकेशन में चेंज हुआ क्या, मतलब बच्चों की जो शिक्षा है स्कूल कुछ चेंज हुए? पूरे ना बैठे
तो अम्मा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर केजरीवाल जी किसी और को टिकट देते हैं तो क्या आप लोग केजरीवाल जी को वोट देंगे? अरे भाई हम केजरीवाल ने वोट जाएंगे, धर्मवीर सार ने देखो तो टिकट और नहीं बना दिया, भावना वोट में तो कटी ना दिया। अरे भाई महाराज मोहल्ला को अच्छे संविधान करेंगे तो हम वोट देंगे नहीं, हमें एकले बड़े सवाल है, बड़े सवाल है। नहीं ये सवाल ना भाई, ये चेतावनी दे रहा था तुम्हारी पांच सौ बड़ी, किसी को वोट नहीं देगी, कोई आओगे तो हो जाएगा, कोई भी मतलब कोई भी आओगे तो भाई धर्मदेव रह गए, वो कभी आए देखो ना भाई तो सबका साथ खाता में चिखा करके जाएगी, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात की, जो कहीं ना कहीं विधायक विधायक का भ्रष्टाचार खत्म करने का भ्रष्टाचार कुछ भी ना कर रहा भाई, तो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायकों के लिए यहाँ पर तमाम लोगों के मन में जिस तरीके की भावना है, क्योंकि यहाँ की जो सिटिंग विधायक है भावना गौड़, उन्होंने काम नहीं किया और यहाँ की जनता से मिली भी नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है अगर भावना गौड़ को यहाँ से टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग केजरीवाल के खिलाफ वोटिंग करेंगे, और अगर आम आदमी पार्टी अगर यहाँ से भावना गौड़ के अलावा किसी और को टिकट देती है, जिसका नाम मैं जिक्र भी आपसे कई बार कर चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं धर्मवीर सारण जो कि काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ के पालम विधानसभा के, और वो तमाम लोगों से मिलते भी रहते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम सामने खुल के सामने आ रहा है, यहाँ की जनता भी यहाँ पे कह रही है। जी 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 वो भी हमारा बीच में आवे वो, और हम ही वह सवाल धरा था उनका जवाब दे दो तो उन्हें कोर्ट जाएंगे ना, वो निवेदन दे एक पेंशन पाँच साल के अंदर एक भी विडो पेंशन नहीं किसी की नहीं बनाई, अपने घर में अपने जो दो चार चमचे पाल रखे उनकी टिकट जरूर बनवाई होगी, बाकी यहाँ पर एक रुपए का भी काम जो है साथ में पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं, किसी की जो उनकी मैन मैन जो लुगाई से उनकी 2500 से महाराज से भुखलंडी से उनकी 2000 से 1500 से अच्छा जो उनकी मिला उनकी 2500 रुपए तनखा मंदिर से 40 साल की जनता में जिस तरीके से तमाम महिलाएं यहाँ की बोल रही है की अगर टिकट इस बार भावना गौड़ को मिलता तो कहीं ना कहीं वो वोटिंग जो है कहीं ना कहीं और चली जाएगी, अगर आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ के किसी दूसरे नेता को टिकट दे दी तो कहीं ना कहीं फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतेगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।